दोस्तों एक टेक यूट्यूबर होने के नाते हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आपको हमेशा जो है ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आजकल जो है बहुत ही बड़े मात्रा में जो है साइबर फ्रॉड किया जा रहा है, और ऐसे में अगर आपकी सूझबूझ में थोड़ी सी भी कमी हुई और आप जो है बिना किसी जांच पहचान के जो है किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम या ठगी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्निकल देव यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज मैं आपको एक जो है बहुत ही बड़े साइबर फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके साथ हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आधार कार्ड जो कि आजकल जो है हर भारतीय के पास होगा और ये जो है हर एक सिस्टम से लिंक है, लेकिन दोस्तों आधार कार्ड पर आपको लोन देने का मैसेज आपको मिल रहा है अगर व्हाट्सएप पर, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड से लोन देने का जो है मैसेज इस समय व्हाट्सएप पर काफ़ी तेज़ी से भेजा जा रहा है लोगों को, और इसकी चपेट में बहुत लोग आ रहे हैं और ठगी का शिकार हो रहे हैं। मैं आपको बता दोस्तों कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है लोन देने का जो है दावा किया जा रहा है, और इसमें जो है 50% की जो है आपको छूट भी दी जा रही है, और इसका जो है लिंक भेजा जा रहा है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करके कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्या है इस मैसेज के पीछे की सच्चाई, और ऐसे मैसेज जो है आने पर हमको क्या करना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें। तो दोस्तों इस टाइम जो है सोशल मीडिया पर आधार कार्ड से लोन प्राप्त करने का मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भारत सरकार है इनके तथ्यों की जो है जांच करने वाली कंपनी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है PIB, इन्होंने जो है जांच किया है और इस मैसेज को इन्होंने गलत बताया है। इन्होंने कहा है कि ये जो है बिल्कुल तरह से फ्रॉड है। अगर आपके पास भी कोई आधार कार्ड से लोन देने का मैसेज आता है तो आपको उसके लिंक पर क्लिक नहीं करना है, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है, आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो PIB ने दोस्तों इसको बकायदा ट्वीट करके भी बताया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं ट्वीट का, और साथ ही दोस्तों ये भी कहा है कि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड ना करें। अगर आपके व्हाट्सएप पर ये मैसेज आता है तो आपको इसको जो है किसी फ्रेंड को या किसी ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि इससे जो बहुत लोगों को जो है इस मैसेज को देखने के बाद लोग लिंक पर क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, उसके बाद जो है उनका अकाउंट खाली कर दिया जा रहा है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं जो कि आपको याद रखना चाहिए ताकि आप साइबर ठगी या साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड से इसमें बहुत तरीके से जो है लोग ठगी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आधार कार्ड आपको पता है कि बैंक में लिंक रहता है, तरह तरह की सुविधाओं में हमारा आधार कार्ड ही लिंक रहता है, और उस नंबर से दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकता है। तो हमेशा दोस्तों अगर आपको भी कोई भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर कोई भी लिंक अगर आपको लुभावने ऑफर दे रहा है, आपसे कोई डिटेल्स मांग रहा है, बैंकिंग जानकारी मांग रहा है, तो वहां पर आपको कोई भी डिटेल्स नहीं देना है। अगर आप कोई किसी बैंक की तरफ से फोन करके आपका ATM कार्ड नंबर, ATM पिन जो है, या आपका बैंक अकाउंट मांगता है तो भी आपको नहीं देना है। बैंक वाले कभी भी आपसे आपकी बैंक डिटेल्स नहीं पूछते हैं, और अगर आपको कोई बैंक में जरूरी काम है तो उसको अपने ब्रांच में जाकर ही वहां पर सॉल्व करें, ठीक है। कोई भी फोन से अगर आपसे कोई भी डिटेल्स मांगे पर्सनल, उसको नहीं देना है। साथ ही में आपके व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कोई भी लिंक दिखाई दे जहां पर आपको लुभावने ऑफर दिया जाए या आपसे कोई डिटेल्स मांगा जाए, बैंक अकाउंट मांगा जाए, तो आपको वहां पर कुछ भी नहीं देना है। और हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको अपना UPI पिन भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये छोटी मोटी बातों को याद रखकर आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, और ऐसे मैसेज अगर आपके पास आते हैं तो इसको आगे फॉरवर्ड करने के बजाय इसको तुरंत डिलीट कर दें और अपने व्हाट्सएप पर इसको ब्लॉक कर दें। जो भी इसको मैसेज करता है आपको उसको तुरंत ब्लॉक करें, क्योंकि ये फ्रॉड रहते हैं, अनजान नंबर से आपको ये सब मैसेज करते हैं। तो दोस्तों इस समय जो है व्हाट्सएप पर जो है आधार कार्ड से लोन देने का जो है मैसेज काफ़ी तेज़ी से भेजा जा रहा है, तो मुझे लगा कि एक जो है टेक यूट्यूबर होने के नाते आपकी हेल्प करनी चाहिए, आप लोगों को समझाना चाहिए कि आप लोग ऐसे गलती करने से बचें। वीडियो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों के पास जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, लोग बच सकें। तो और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा काम नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।